Hello guys, welcome back to another daily MCQ video part 2. My name is Aditya Dubey and in this topic we will discuss some important question for MPPSC. तो सबसे पहला question है कि कोंकणी मणिपुरी और नेपाली किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई, means by which constitutional amendment act कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली were added. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विच इज 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोंकणी मणिपुरी और नेपाली ऐड की गई. अब इससे रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूंगा. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल डील करता है लैंग्वेजेस से, ओके, और इसमें टोटल जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. अगर ओरिजिनली बात की जाए कि 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस थी, तो ओरिजिनली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थी और बाकी लैंग्वेजेस मींस बाकी बची हुई लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू ऐड की गई. तो सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 8th शेड्यूल के परस्पेक्टिव में, वो हुआ था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इसके तहत कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी, इसमें जोड़ी गई थी सिंधी लैंग्वेज, ओके. इसके बाद जो हुआ था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसका क्वेश्चन हमारा है कि कोंकणी मणिपुरी और नेपाली इसमें जोड़ी गई थी. और इसके बाद जो था वो था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें BDMS मींस बोडो डोंगली मैथिली और संथाली लैंग्वेज जोड़ी गई. अब इससे रिगार्डिंग आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है. तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो हुआ था 1961 में, और अगर बात की जाए 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की तो वो हुआ था 1992 में, और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसमें BDMS मींस बोडो डोंगली मैथिली संथाली ऐड की गई थी वो हुआ था 2003 में, ओके. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन एज टू एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट. काउंसिल ऑफ स्टेट मींस राज्यसभा, मींस राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट की किस शेड्यूल के तहत बात की गई है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 4th शेड्यूल. 4th शेड्यूल में ये प्रोविजन दिया गया है कि एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट मींस राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट की बात की गई है. अगर बात की जाए ऑप्शन ए की, जो कि है 3rd शेड्यूल, तो 3rd शेड्यूल में बताया गया है ओथ के बारे में, मींस शपथ के बारे में. अगर 5th शेड्यूल की बात की जाए तो 5th शेड्यूल डील करता है हमारा प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, ओके. और अगर 6th शेड्यूल का पूछा जाए आपसे तो ये है कि प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम. ये आपसे क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेट 6th शेड्यूल के अंतर्गत नहीं आता है. तो इसकी एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं, अमी मेत्री मीन्स असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ओके. असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा 6th शेड्यूल में डील करते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया के बारे में बताया गया है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य प्रदेश में है. तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं मींस खजुराहो, सांची, भीमबेटका, ये तीनों मध्य प्रदेश की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर की गई हैं. तो आपको बता दूं कि एमपी में टोटल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो टोटल 3 हैं, जो कि हैं खजुराहो, सांची और भीमबेटका. तो हेंस इसका आंसर होता है ऑप्शन डी. अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और फैक्ट बताना चाहूंगा. यूनेस्को की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए, मींस यूनेस्को की फाउंडेशन डेट अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो वो है 16th of November 1946, ओके. 16th of November 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी. इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो वो है पेरिस में, ओके, पेरिस में मींस फ्रांस में. और अगर आपसे ये पूछा जाए कि खजुराहो, सांची या भीमबेटका को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड किया गया, तो इसका सही आंसर है खजुराहो को ऐड किया गया 1986 में, सांची को ऐड किया गया 1989 में, और अगर भीमबेटका की बात की जाए तो भीमबेटका को ऐड किया गया है 2003 में, ओके. सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस. अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टॉक मार्केट इंडेक्स थाईलैंड को बिलोंग करता है, ओके. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सेट इंडेक्स जो रहता है वो थाईलैंड को बिलोंग करता है. अगर बात की जाए दूसरे इंडेक्सेस की तो वो है कॉस्पी, जो कि बिलोंग करता है साउथ कोरिया को. साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल, ओके. और तीसरा जो ऑप्शन है जो कि है मर्विल, मींस मर्विल बिलोंग करता है अर्जेंटीना को, मींस अर्जेंटीना का स्टॉक मार्केट इंडेक्स है ये.
और अर्जेंटीना की अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए तो वो है ब्यूनस आयर्स। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि विच ऑफ द स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस बिलोंग टू थाईलैंड, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विच इज सेट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है कि केमिकल नेम फॉर विटामिन बी टू, मतलब विटामिन बी टू का केमिकल नेम क्या है। ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको पहले बता दूं कि केमिकल नेम फॉर विटामिन बी टू इज राइबोफ्लेविन। ओके, राइबोफ्लेविन विच इज ऑप्शन सी। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए को, मीन्स विटामिन ए का केमिकल नेम है। अगर थियामिन की बात की जाए, मीन्स थायामिन की बात की जाए, तो ये है विटामिन बी वन। राइबोफ्लेविन जैसा मैंने आपको बताया कि विटामिन बी टू, और अगर नियासिन की बात की जाए तो वो है विटामिन बी थ्री। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड कोई अपडेट या पीडीएफ अपडेट चाहिए, जो मैं ये स्लाइड्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/aditya-dubey-mppsc। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक की लिंक है facebook.com/aditya-dubey-mppsc। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टिल नाउ, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय।